हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह, आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ आरएम स्टडी में। तो आज की बड़ी खबर में हम देखने जा रहे हैं आखिरकार बंट गए विभाग मध्य प्रदेश में, जो काफी दिनों से कवायद चलती आ रही थी मंत्रिमंडल के बंटवारे की, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, आखिरकार वह समय खत्म हो गया है। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। तो अभी एकदम रिसेंटली न्यूज आई है सुबह सुबह ही कि मध्य प्रदेश में सभी मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो एलोकेट कर दिए गए और किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हम उन्हें देखेंगे और एक बार सबको सरसरी नजर से देख लेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन ऐसे समस्त विभाग और जो किसी को नहीं मिले वो सब शिवराज सिंह चौहान जी के अंडर है। अब करते हैं अपने बाकी मंत्रियों को जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू। तो नरोत्तम मिश्रा को गृह जेल संसदीय कार्य, गोपाल भार्गव को लोक निर्माण यानी जो पीडब्ल्यूडी वाला होता है वो सब कुछ, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन और मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग जो मछली डिपार्टमेंट होता है वो, विजय शाह को वन मंत्री, जगदीश देवड़ा को वाणिज्यिक कर वित्त मंत्रालय, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे आगे जाके, बिसाहू लाल सिंह खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, तो जितना भी खाद्यान्न से रिलेटेड है वो बिसाहू लाल साहू को मिला। अब इसके बाद खेल एवं युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास मंत्रालय भूपेन्द्र सिंह को, मीणा सिंह मांडवे को आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जाति मंत्रालय, तो जो SC ST वाला एरिया है वो इनको मिला है। कमल पटेल को किसान कल्याण, ये पहले भी थे, अभी भी इनको मंत्रालय कंटिन्यू रखा है। इंदल सिंह खजाना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व मंत्रालय, ब्रजेंद्र सिंह प्रताप को खनिज संसाधन और श्रम मंत्रालय, विश्वास सारंग जो कि भोपाल से आते हैं उन्हें चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके पुनर्वास वगैरह मिनिस्ट्री में विश्वास सारंग को मिली है। इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, प्रभुराम चौधरी को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो ये इनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला, किसको, प्रभुराम चौधरी को। फिर उसके बाद सिसोदिया जी को पंचायत और ग्रामीण विकास जो रूरल डेवलपमेंट वाला है सब कुछ इन्हें, अपनी एनर्जी से रिलेटेड, बिजली बिजली से रिलेटेड प्रद्युमन सिंह तोमर को ही मिला है। फिर उसके बाद प्रेम सिंह पटेल को पशुपालन, ओम प्रकाश सकलेचा को सूक्ष्म और उषा ठाकुर को पर्यटन, और इसी के साथ अरविंद भदौरिया को सहकारिता मंत्रालय मिला है। और ये बाकी लिस्ट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मोहन यादव उच्च शिक्षा विभाग हो गए। फिर उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्रालय जो कि राज्य मंत्री का, इंदर सिंह परवार को, ये राज्य मंत्री हैं कैबिनेट नहीं। फिर इसके बाद जो आयुष मंत्रालय जो काफी ज्यादा न्यूज में है करंट ये कोरोना की वजह से, तो उसमें राम किशोर कांबरे को, और फिर उसी तरह लोक स्वास्थ्य के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, और लास्ट में लोक निर्माण विभाग किसको मिला है, श्री सुरेश धाकड़ को। तो ये थे कंप्लीट मंत्रियों की लिस्ट। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये शुरू के जो 8-10 हैं ये हैं, फिर उसके बाद ये राजस्व मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, चिकित्सा, महिला। अब जब पूरे मध्य प्रदेश की घटनाक्रम होते रहेंगे तो ये सारे मंत्री बीच बीच में अपने अपने नाम लेके आते रहेंगे कि ये डिपार्टमेंट के मंत्री ने ये किया, तो आपको करंट अफेयर्स में बनता रहेगा। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट एक बार याद कर लीजिए, जैसे पर्यटन हो गया, ऊर्जा हो गया, पहले पूरी लिस्ट। और ये आज की बड़ी खबर की सीरीज ऐसे ही चलती रही और बड़ी खबरों के लिए, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, थोड़ा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।